दैनिक जागरण में संजय गुप्त का एक लेख आया था आरक्षण पर, आप लोग पढ़े होंगे या नहीं पढ़े तो पढ़ना चाहिए। संजय गुप्त ने लिखा है कि क्या आरक्षण में, अगर उच्च शिक्षा में अगर लोगों को आरक्षण मिलता है, छात्रों को आरक्षण मिलता है, तो उसको नौकरी में आरक्षण नहीं मिलना चाहिए। किसी एक क्षेत्र में आरक्षण दीजिए, या तो उच्च शिक्षा में दीजिए, नहीं तो आरक्षण में दीजिए या नौकरी में दीजिए, या तो पदोन्नति में आरक्षण दीजिए। लेकिन जब आप उच्च शिक्षा में, अगर आप इंट्रेंस के लिए अगर आपको आरक्षण की प्रविधि है, तो क्या नौकरी में होना चाहिए? या तो नौकरी बंद कर दो, नहीं तो उच्च शिक्षा में आरक्षण बंद करो, या कुछ ना कुछ तो एक चीज करना पड़ेगा अगर उच्च शिक्षा को सुधारना है तो। दूसरी चीज, आज देश में पहले गौर करना कि देश के जितने बड़े राजनेता हैं जो आरक्षण को लेकर हमेशा मुखर रहते हैं, उनको निचली जाति के आरक्षण की चिंता नहीं है, उनको अपने आरक्षण खत्म होने की चिंता है। आज लालू प्रसाद यादव को देख लीजिए, और चाहे रामविलास पासवान के बेटे को देख लीजिए, चिराग पासवान, क्या वो आरक्षण लेने लायक हैं? नहीं लेने लायक। तो फिर संविधान का क्या मतलब रहा? संविधान में जो बातें भीमराव अंबेडकर ने उसमें 15 साल के बाद संशोधन किया की बात थी उसमें, थी ना? लेकिन उसके बाद धीरे 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 स्थिति ऐसी आ गई कि आरक्षण को खत्म करने का मतलब है कि किसी राजनीतिक पार्टी को खत्म हो जाना। जो राजनीतिक पार्टी इस पर विचार भी करने के लिए एक बार सोचेगी, उसकी पार्टी खत्म हो जाएगी। ये भारतीय राजनीति। अब भारतीय राजनीति में क्या कारण है कि आरक्षण पर कोई क्यों नहीं बोलना चाहता? कारण एक, आरक्षण पर इसलिए नहीं बोलना चाहता कि उसका वोट बैंक बहुत मजबूत है। भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे कोई हो, आरक्षण पर नहीं बोलना चाहती है। कारण दो, इसलिए भी नहीं बोलना चाहती है क्योंकि बहुलता जो है आरक्षण लेने वालों की बहुत ज्यादा है, बहुलता जो आरक्षण लेने वालों की है वो बहुत ज्यादा है। और तीसरा, तीसरा और कारण यह है कि जो आरक्षण ले रहे हैं और जो निचली पीढ़ी तक आरक्षण नहीं पहुंच रही है, जो निचले गांव के लोग, मुसहर जाति के हुए या दुसाध जाति के हुआ हुआ निचले जाति के हुए, उन लोगों को पता है कि मलाई हम खाते हैं, ये हमारे खानदान, वो मतलब आरक्षण में भी वंशवाद है, आरक्षण में भी वंशवाद घुसेड़े गया है। आप देख लीजिए क्या मैंने बड़े बड़े राजनेता के बेटे आजकल आरक्षित सीट से चुनाव लड़ते हैं, लोकसभा का चुनाव हो या विधानसभा का चुनाव, खोज के लड़ते हैं। रामविलास पासवान देखिए, जमुई लोकसभा बिहार में पड़ता है, खोज के चुनाव लड़ा है, वो आरक्षित है 1948 के, मैंने आजादी के बाद से ही आरक्षित है वो लोकसभा। तो स्थिति यह है कि आरक्षण के मुद्दे पर अगर कोई सरकार हिम्मत नहीं जुटा पा रही है, तो मैं आपको दावे के साथ कहता हूं कि आने वाले समय में धर्म और संप्रदाय की लड़ाई नहीं होगी, जातीय संघर्ष होगा हमारे देश में, ये होगा। अब देखिए इसके क्या निगेटिव कारण है। धीरे धीरे लोगों में जो है, आपने, आप बोलते हैं कि आरक्षण पर, अभी कुछ हमारे दोस्त मित्र कह रहे थे कि हर जगह बहुत धांधली हो रहा है आरक्षण को लेकर। अब मैं बता रहा हूं, बोल रहे हैं कि सारे सामान्य वर्ग के छात्र जो है आरक्षित कोटा में नहीं आना चाहिए। मैं बता रहा हूं कि क्या आपने आत्मकथा पढ़ी है उग्र की? उग्र की आत्मकथा पढ़ी है? तो अगर जिसने भी उग्र की आत्मकथा पढ़ा होगा, उसने दिखाया कि एक ब्राह्मण की स्थिति क्या होती है, जो कि एक निचली जाति से भी बदतर समझे जाते हैं जब उनकी स्थिति खराब होती है, आर्थिक स्थिति जब गांव में खराब होती है। एक ब्राह्मण या पूरा मतलब जो भी हो, अगर आपके दलित जाति में कोई बड़ा पैसा वाला हो जाता है, तो वो अपनी ही जाति को नीचे दबाए रहता है, वो उसकी मांग नहीं करता। आने वाले समय में अगर आरक्षण पर शोध नहीं किया गया या कोई पार्टी नहीं इस पर विचार की, तो मैं दावे के साथ कहता हूं कि खालिस्तान की मांग पंजाब में हुई थी, तो एक बार देखिएगा सारे सवाल लूट के कहेंगे अलग कंट्री की मांग करते हैं। अगर नहीं इस पर विचार होगा तो अलग कंट्री, या तो एक तरफ उधर कर दो और एक तरफ इधर कर दो देश का बंटवारा। लेकिन इसमें बहुत सारे कारण, हाँ अभी भी ऐसी है कि कुछ ऐसी आरक्षण की जरूरत है बहुत सी जातियों, लेकिन जिस तरह से आरक्षण पर राजनीति हुई है, जिस तरह से आरक्षण पर राजनीति हावी हुआ है, आने वाले समय में मैं दावे के साथ कहता हूं कि धर्म संप्रदाय की राजनीति खत्म हो गई है इंडिया में 90%। और जिस तरह से आरक्षण की देखा इसकी गुजरात से लेकर बिहार तक हार्दिक पटेल और पता नहीं कौन कौन लोग जो आरक्षण को लेकर मुखर हुए हैं बीते कुछ दिन में, वो आरक्षण को लेकर क्यों मुखर हुए हैं, इनके बहुत कारण। उन्होंने देखा कि जो संघर्ष करता है, जिसकी जाति की बहुल्यता है, वो आरक्षण को लेके जब भीड़ लगाते हैं तो खट्टर सरकार गिरने से आरक्षण, जाटों के डर से आरक्षण दी। तो उन्होंने देखा जब हिंसा वहां पर भी, आरक्षण के लिए लोग क्यों चढ़ रहे हैं सरकार पर, कारण है सरकार कोई मजबूत कदम नहीं उठा पा रही है। जाटों ने इतना बड़ा दंगा किया, कोर्ट को कहना पड़ा कि भरपाई करना पड़ेगा सबको अगर आप तोड़फोड़ या हिंसा करते हैं, लेकिन कोई कुछ इस पर अमल नहीं हुआ और जाट को अंततः हरियाणा में खट्टर सरकार में आरक्षण मिला। तो उसी को देखते हुए युवाओं में जो है इस तरह का
प्रलोभन बढ़ता जा रहा है आरक्षण के प्रति। आरक्षण एक प्रलोभन है आज के समय, और उसको देखा देखी देख रहे हो वहां क्या वहां हुआ, गुजरात में क्या हुआ। धीरे धीरे ये जो सुखबुगाहट है पूरे देश में फैलेगी, जो अभी जबकि पटेल सबसे गुजरात में बहुत मजबूत आर्थिक रूप से संपन्न जाति है, तो धीरे धीरे सब जगह विद्रोह होगा। तो आने वाले समय में मैं ये कह सकता हूं कि भारतीय लोकतंत्र के लिए सबसे बड़ा खतरा है कि संविधान के प्रति एक वर्ग विशेष की नाराजगी और उनसे विश्वास हट जाएगा, और संविधान और कोर्ट के प्रति उनका पूरा तरीके से उनका रवैया बदल जाएगा, और ये लोकतंत्र के लिए खतरा है। और इस पर और हम दावे के साथ कहते हैं, इसमें मेरे और आपके कहने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि इसमें जो उसमें भी वर्ग कोटा निकालते हैं लोग आजकल, लेकिन एक बार विचार करना चाहिए, और जो लोग पढ़ते हैं संजय गुप्त का लोग लेख आया था दैनिक जागरण में, उनको पढ़ना चाहिए था। लेकिन जब जब आरक्षण पर विचार करने की बात उठती है तो उस पर जो है गैर विवाद उठते हैं, हमेशा उठा है। अभी हाल ही में लो जब भागवत जी बिहार चुनाव के समय बोले कि इस पर जो है विचार होना चाहिए, इसको गलत तरीके से प्रसार लालू प्रसाद यादव किए गया, हमारा आरक्षण छीन लेगा। कारण अब जो है अभी भी मैं आपको दावे के साथ कहता हूँ कि लालू प्रसाद यादव चाहे कोई ऐसे नेता जो अपनी राजनीति की बुनियाद ही जाति और धर्म पर किए हैं, जाति और धर्म पर, मुसलमान और अहीर, ये दो धर्म और जाति की राजनीति किए, तो सबसे पहले अगर देशद्रोह अगर रवीश कुमार और हार्दिक पटेल पर लगता है तो उनसे बड़ा देशद्रोही तो बिहार में लालू प्रसाद यादव है, जो खुलेआम मंच से कहते हैं कि अहिरो एक हो जाओ, यादवों एक हो जाओ, ये देशद्रोह नहीं है? जब आप एक नेता जो आप बिहार का प्रतिनिधित्व किए हैं 15 साल, और आप खुलेआम मंच से कह रहे हैं कि तबला बजेगा धीन धीन एक के ऊपर तीन तीन, ये सब किस तरह की भाषा है? ये लगना चाहिए कि नहीं देशद्रोह इन लोगों पर लगना चाहिए कि नहीं देशद्रोह जो खुलेआम मंच पर से कह रहे हैं? और हम बहुत आहत हैं कि हमारे देश के इसे पहले प्रधानमंत्री हुए माननीय नरेंद्र भाई मोदी, जिन्होंने खुलेआम राजनीतिक शब्दों में जातीय शब्द को इतना बढ़ावा दिया, जिन्होंने काशी में मंच पर आके कहा मैं ओबीसी हूँ, क्या कोई प्रधानमंत्री ने आज तक किसी भी मंच पर इसे अपने जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल किया? इतिहास उठा देखिए, नरसिम्हा राव हुए, चाहे चौधरी चरण सिंह हुए, चाहे कोई हुए, क्या उन्होंने ऐसा कुछ किया? तो इस तरह पर रोक लगना चाहिए, नहीं तो आने वाला भविष्य भारत का सुथरा स्वच्छ मजबूत लोकतंत्र नहीं बन पाएगा जब तक कि इस पर आने वाली सरकार और वर्तमान सरकार विचार नहीं करेगी।